बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं व्लॉग करने लगा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से और घर वाले मौजूद थे सारे के सारे, तो हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, इस वजह से व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह व्लॉगिंग रिस्टार्ट करने की, अपना चैनल दोबारा रेगुलर करने की व्लॉग्स। तो अभी मैं आ गया हूँ सनैया, आप देख सकते हैं सनैया। मैंने अपने छोटे भाई को कॉल किया है, वो आके मुझे रिसीव करे। दरअसल जो मेरे पास अल्टीमा है वो एक भाई हैं अलबहा से, वो बहा से कोई दिलशाद भाई हैं, वो गाड़ी लेना चाह रहे हैं। तो मैं गाड़ी को कंप्लीट चेकअप करवाने के लिए आया हूँ कि अगर गाड़ी में कोई कमी पेशी हो तो वो मैं ठीक करवा लूँ, क्योंकि भाई अलबहा से हफरलबाजी नहीं आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप गाड़ी मुझे पूरी रेडी करके उसके बाद आप मुझे प्राइस बताएं और गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करें और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अलबहा डिलीवर करवा दें गाड़ी। तो मैं आ गया हूँ सनैया, आप देख सकते हैं अभी 4:30 हो रही हैं और अभी गाड़ी का चेकअप करवाएंगे कंप्लीट। हम भाई को रिपोर्ट देंगे कि गाड़ी ओके है। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने पानी ले लिया है और यहाँ पर बकाले होते हैं, बकाले से ये आड़ू लिया है, आड़ू खाते हैं और फिर चलते हैं अभी किसी वर्कशॉप में और गाड़ी को कंप्लीट चेकअप करवाते हैं। तो लेट्स गो। तो ये देख सकते हैं आप, पीछे भाई आ गया है। अब हम चलते हैं सनैया में और गाड़ी दिखाते हैं किसी अच्छे से इलेक्ट्रिशियन को, मैकेनिक को, कंप्लीट चेकअप कराते हैं गाड़ी का और आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। चलें लेट्स गो। तो हमारे जो उनसे प्लग थे वो दुकान पे हम भूल गए थे, इधर प्लग खुलवाई है तो वो कह रही है जो आपने प्लग चेंज किए वो सेम नहीं है और जो इसके सेम प्लग थे वो हम दुकान पे भूल आए थे, अब हम वो लेने जा रहे हैं। प्लग लेके आते हैं, वापस जाके मैकेनिक को देते हैं। द नेक्स्ट डे, तो आज है डे 2। मैं अभी उठ गया हूँ सुबह के टाइम, मैंने कॉल की थी अपने मैकेनिक को, तो उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी के लिए कॉइल्स चाहिए, कॉइल्स लेके आए चारों, वो भी चेंज करेंगे। अब हम जा रहे हैं, जाके कॉइल्स खरीदते हैं, कॉइल्स खरीद के देते हैं मैकेनिक को और फिर बाकी के काम भी ख़त्म करते हैं। 2-4 जो काम है, कार्गो को ऑफिस जाना है, फिर पैसे डिपॉजिट करने हैं, 2-4 काम है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। चलते हैं देखते हैं हमें कॉइल्स कितने के मिलते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो ऑफिस से भी सामान ले लिया है। अब मैं जा रहा हूँ सनैया में, एक छोटा सा काम है, उसके बाद हम आते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह 12 बज गए हैं और मैंने अपने आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर लिए हैं। लाइट लेनी थी, कैमरे की लाइट ले ली है, कार्गो ऑफिस से सामान ले लिया है और पार्ट्स चाहिए थे गाड़ी के लिए वो मैं दे आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जा रहा हूँ अपने शॉप की तरफ वापस। उधर जाएंगे फिर जोहर की नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यह हफरलबाद की सब्ज़ी मंडी है, सब्ज़ी और गोश्त मंडी। देखें इशारा खुला हो तो ऐसे स्पीड में निकाल लें, आसरा नहीं करें, नहीं तो पीछे से ना कोई ठोक जाएगा। अभी पिछले इशारे पे 3 गाड़ियां इकट्ठी लगी हुई थी, ये बात। Later that same evening. तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने चेक करवा ली है, पूरी तसल्ली से चेक की है वर्कशॉप में, देखें माशाल्लाह। तो अब मैंने इस्माइल भाई को बुलाया जो जिनके पास जिनके नाम पे की गाड़ी है। इस्माइल दिखाओ, अभी व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे।
और ये भाई हैं जिन्होंने ली है गाड़ी, ये मोहम्मद दिलशाद, ये भाई इन्होंने अलबाहा से गाड़ी ख़रीदी है, तो अभी हम इनके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ट्रांसफ़र होगी आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दिखाते हैं। इसमें इधर आओ। तो जी ये भाई ने मेरे से गाड़ी ख़रीदी है, ये इनका नाम है मोहम्मद दिलशाद अली हसन, ये अलाहाबाद में रहने वाले हैं, तो अभी हम इनके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये अभी हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में, इसमें आके आ गए हम सर्विसेज में, व्हीकल्स में, ओनरशिप ट्रांसफ़र में। ये देखो ये रिक्वेस्ट आई हुई है, ये अभी के ये हमने एक्सेप्ट, ठीक है। अभी इनके भाई, इन भाई के नाम पे हम इंश्योरेंस करेंगे और फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स हम ऐड करेंगे। अब ये देखें, आप देख सकते हैं, चलो मैं अभी ये आईबन नंबर में हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, फिर इंशाल्लाह गाड़ी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी, उससे पहले हम इंश्योरेंस बना लेते हैं। तो ये इंश्योरेंस हम बना रहे हैं गाड़ी की, गाड़ी की देखो है एस्टिमेटेड वैल्यू 19,830 रियाल। अब देखते हैं कितने में इंश्योरेंस बन रही है। ओहो, तौनिया की इंश्योरेंस 1,221 रियाल की हो गई, कल कम फेर आ रहा था, आज फेर ज्यादा आ रहा है भाई। इंश्योरेंस के पैसे बढ़ गए हैं 1,300, 1,400, 4,000, 1,500 और 1,083। ये सबसे सस्ती है 1,083 की, ऊपर वाली भी 1,351 की। अभी बताओ कौन सा वाला करना है, 1,083 वाला कर दें। अच्छा जी, हमने फुल पेमेंट कर दी है, अब भाई ने फुल पेमेंट कर दी है, प्रोसीड टू व्हीकल डिलीवरी करते हैं अब हम। अब ये देखा ओटीपी, ओटीपी आया है, इसमें को पूछना। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ट्रांसफर हो गई है, देखें नए भाई के नाम पे, अभी हम उनको बोलते हैं कि आपसे से पिक्चर भेजें। जी वेलकम बैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई के नाम पे गाड़ी ट्रांसफर हो चुकी है ऑफिशियली, और ये इस तुम्हारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें भाई के नाम पे हो चुकी है ट्रांसफर, पहले मेरे छोटे भाई के नाम पे थी, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना ट्रस्ट किया, क्योंकि 1,15,000 रियाल की चीज़ है, उन्होंने बगैर सोचे समझे हमें टोकन सेंड किया, और मैंने भी भाई के साथ बिल्कुल ताबुन किया, और 5,000 रियाल अभी उन्होंने का टोकन था, मैंने उनके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि भाई का इखलाक मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनका जो ट्रस्ट था, और बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सब्सक्राइबर्स भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो मुझे जानते हैं, और तो किसी चीज़ के ज़रिए नहीं जानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर भाई को साथ एक रिक्वेस्ट की कि यार आपको मैंने ज़रूर व्लॉग में लेना है, उनको फिर मैंने, उन्होंने फिर अपना एक वीडियो बना के भेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और ट्रांजैक्शंस जितने उन्होंने पेमेंट की थी वो भी उन्होंने उस वीडियो में शेयर की है, तो आप चलें जाके वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैंने आपका व्लॉग देखा था जिसमें जो है एक गाड़ी पसंद आई थी मुझे, निसान अल्टिमा 2009 मॉडल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो परचेज़ कर लिया आपसे, उसका पेमेंट हमने आपको कर दिया है, और इंशाल्लाह वो कल आप हमें जो है उधर से भेज देंगे, यानी हफरा बतन से अलबाहा, यानी बहुत दूर है, ठीक है, और इंशाल्लाह देखो आपको पेमेंट भी दिखाता हूँ।
ये सब किए हैं मैंने, 6,300, 700, 4,000 और ये 5,000, यानी टोटल हमने पेमेंट किया है 16,500। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर और मैंने भी आपके ऊपर ट्रस्ट किया। मैंने 5,000 ही भेजे थे, आपने मेरे नाम कर दी गाड़ी, ठीक है। मैंने आपको फुल पेमेंट कर दी है, इंशाल्लाह कल आप जो है गाड़ी भेज देंगे, फिर हम आपको बताएंगे, फिर गाड़ी इधर पहुंच जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई तो इधर बफर का दुकान नहीं, ये सिलेंडर सही है, सिलेंडर खोलने के बाद समझ जो मैं चला जाने तमाम ले गाड़ी लेके मैं तो पता तमाम किया, फिर इधर मार्केट में मैं चला ना बोल मुझे हां तमाम किया सामने भी आ रहा है ना हां कैसे इसी पे आए थे इसी पे बोल रहा था तो हमने अपनी यारिस दी हुई थी मैकेनिक को, तो मैकेनिक ने अभी देखें इंजन खोला है, गाड़ी दरअसल हीट हो गई थी, तो अभी हमारा जो सा है ना इंजन ये तोदीब हो रहा है पूरा इंजन। मैंने बोला मैकेनिक को कि कंप्लीट इसको उतार लें, उतार के हम इसको कंप्लीट बनाएंगे। तो अभी ये देखें, ये वर्कशॉप उस्मान भाई की है माशाल्लाह से, और अभी थोड़ा सा वो बिजी हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह इसको पूरा का पूरा ओवरऑल इंजन करवाएंगे।